पाकिस्तान के पहलवानों को 18 से 23 फरवरी तक इंदिरा गांधी स्टेडियम के केडी जाधव कुश्ती हॉल में होने वाली एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए वीजा मिल गया है और वे मंगलवार को वाघा बॉर्डर के जरिए भारत पहुंचेंगे, जबकि चीन के 40 सदस्यीय दल को उनके देश में फैले खतरनाक कोरोना वायरस के चलते वीजा नहीं दिया गया। निर्भया बलात्कार और हत्या मामले के चारों दोषियों के लिए सोमवार को पटियाला हाउस अदालत ने नया और तीसरा डेथ वारंट जारी किया है। चारों को 3 मार्च को सुबह 6 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी। दिल्ली के लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल ने इस बार अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखा है। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली के प्रदर्शनकारियों को वहां से हटने को राजी कराने के लिए सोमवार को वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े को वार्ताकार नियुक्त किया तथा मामले की सुनवाई 24 फरवरी तक के लिए टाल दी। भारत ने तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की जम्मू कश्मीर को लेकर की गई टिप्पणी पर सख्त नाराजगी जताते हुए सोमवार को तुर्की के राजदूत को तलब किया और उन्हें कड़ी चेतावनी दी कि उनके नेता भारत के आंतरिक मामलों में लगातार दखलअंदाजी कर रहे हैं, जिससे भारत और तुर्की के द्विपक्षीय रिश्तों पर बुरा असर पड़ेगा। इंदौर की स्वच्छता और विकास को देखने के लिए जम्मू नगर निगम पार्षदों का दल सोमवार को शहर पहुंचा। इस दौरान उन्होंने शहर की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस सिस्टम को वे जम्मू में भी लागू करेंगे। मध्य प्रदेश के सीहोर में अनोखी शादी, न सात फेरे न मंगलसूत्र, संविधान की शपथ लेकर दूल्हा दुल्हन ने किया विवाह। भाजपा विधायक का सिंधिया को पत्र, पितरेश्वर हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा में आए, आपको अन्याय से लड़ने और जीतने की शक्ति मिलेगी। भगवान शिव की सीट पर विवाद, ओवैसी ने संविधान की कॉपी मोदी को ट्वीट की, IRCTC ने कहा यह व्यवस्था सिर्फ पहले दिन के लिए। इंदौर सांवेर से भाजपा के पूर्व विधायक पर भानगढ़ में हमला, बदमाशों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की, सोनकर बोले मेरी जान को खतरा। मध्य प्रदेश कांग्रेस में घमासान पर पूर्व CM शिवराज सिंह ने कहा सरकार नहीं सर्कस चल रहा है।